दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसी परचेज करने के बाद में जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम कैसे होगा। क्योंकि एसी तो हम सभी परचेज कर लेते हैं, लेकिन जो उसका जो बिल आता है वो हम सब पे बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, तो वो हम कैसे कम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं जिनका यूज करके आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका कम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल प्राइम टीवी टेक में। और आपने अभी तक हमारे चैनल प्राइम टीवी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम जब भी अपलोड करें आप उन्हें सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि इन्वर्टर एसी या फिर नॉन इन्वर्टर एसी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आपके पास में इन्वर्टर एसी तब तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नॉन इन्वर्टर एसी है तो थोड़ा सा आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो इन्वर्टर एसी है तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप जिस भी जगह पे, यानी किसी भी रूम पे जहां पे आप एसी लगा रहे हैं, तो वहां का जो एरिया है वो साइज कितनी है आपके टेन की कैपेसिटी के हिसाब से। तो इस चीज़ को मैटर जरूर करें। यदि आप जानना चाहते हैं कि कितने एरिया के लिए कितने टेन का एसी होना चाहिए, तो हमारे प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें एसी की, उनमें हमने सब वीडियोस में आपको बताया है कि कितने एरिया के लिए कितने टेन का एसी होना चाहिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपका एरिया जो है उसके हिसाब से आपका जो एसी है वो कितने टेन का होना चाहिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। क्योंकि यदि कम टन का एसी है और एरिया भरा है तो आपका जो बिजली की जो खपत होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि एसी आपका बहुत ही ज़्यादा वर्क करेगा आपके जो एरिया, मतलब जो जिस भी रूम में आप लगाएंगे तो उसको कूल करने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि आपका जो एरिया है उस हिसाब से आपका जो एसी का जो टन है वो होना ज़रूरी है। अब इसके बाद में पॉइंट आता है कि आपका जो वो एरिया जहाँ पे आपने एसी को लगाया है, तो वो एरिया बार बार, जैसे कि गेट ओपन तो नहीं होता है बार बार, ज़्यादा आना जाना तो नहीं होता वहाँ पे, जो खिड़कियाँ हैं वो पूरी तरीके से पैक हैं कि नहीं है, तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कि यदि इन्वर्टर एसी है तो इन्वर्टर एसी क्या होता है कि आपका कंटिन्यू वर्क करता है, कंप्रेसर बंद नहीं होता, इन्वर्टर एसी का कंटिन्यू वर्क करता है। सपोज़ आपने 21 डिग्री का आपने सेट कर दिया है तो 21 डिग्री आपका मेंटेन होगा, इसके बाद में आपका जो कंप्रेसर है कंटिन्यू वर्क करेगा, वो बंद नहीं होता है। यदि कम बात करें अपन नॉन इन्वर्टर एसी की, तो क्या होता है कि उसमें 21 डिग्री का आपने यदि टेम्परेचर सेट करके रखा है, तो 21 डिग्री जैसे ही टच करेगा तो इसके बाद में कंप्रेसर ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाता है नॉन इन्वर्टर एसी का। लेकिन इन्वर्टर एसी में ऐसा नहीं होता है कि आपका जो टेम्परेचर आपने सेट करके रखा है उसको रेगुलर मेंटेन करके चलता है वो, तो आपका जो कंप्रेसर वो हमेशा चालू रहता है। तो यदि इस कंडीशन में यदि आपका गेट या फिर विंडो वगैरह यदि खुली रहेगी, तो वो जो उसका उसकी कूलिंग है वो विंडो के थ्रू या फिर गेट के थ्रू बाहर जाएगी, जिस कारण से आपके जो कंप्रेसर है वो कंटिन्यू वर्क करेगा आपका, और हैवी वर्क करने के कारण से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ज़्यादा आएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो गेट है और विंडो है हमेशा बंद रखें, मतलब कम से कम आप उसको ओपन करें जिसमें जो आपका जो कंप्रेसर है उस पर लोड कम पड़े, जिस कारण से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ऑटोमेटिक ही कम आएगा। अब इसके बाद बात आती है कि आपको कितने डिग्री सेल्सियस पे आपका जो एसी है वो रन करना है। फ्रेंड्स, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, जो आप यदि बाइक चलाते हैं आप, तो बाइक में आपने देखा होगा यदि आपका नॉन डिजिटल मीटर है, उसमें डिजिटल मीटर में तो नहीं दिखाई देगा, यदि नॉन डिजिटल मीटर है तो उसमें आपको एक इकोनॉमी स्पीड दी होती है ना, जो स्पीड दी होती है आपकी, तो उसमें एक इकोनॉमी ग्रीन कलर की आपकी स्पीड दी होती है। तो यदि आप उस स्पीड में चलाते हैं, यानी जो 40 से 60 की स्पीड है, यदि आप 40 से 60 की स्पीड में चलाते हैं, तो जो कंपनी दावा करती है ना कि आपका यदि 100 का माइलेज देगी बाइक, या फिर 80 का माइलेज देगी, या फिर 60 का माइलेज देगी, तो वो यदि आप उस इकोनॉमी स्पीड में चलाते हैं तो वो आपको वो माइलेज मिलता है। लेकिन यदि आप फुल स्पीड में चलाते हैं या फिर आप 100 की स्पीड में चलाते हैं, 80 की स्पीड में चलाते हैं, तो वो माइलेज घट जाता है। तो सेम चीज़ वर्क करती है एसी पे। यदि आप कम से कम डिग्री सेल्सियस पे, यदि 16-17 पे यदि एसी चला रहे हैं, फिर 18 पे चला रहे हैं, तो आपका बहुत ही ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा वो। और यदि आप उसको वहीं पे आप 21-22 पे यदि चला रहे हैं, तो वो वहाँ पे आपके इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा सेव होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है आपको, बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बचाएं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमेशा आपका जो एसी है वो आपको
21 या 22 डिग्री पे चलाएं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके जो एरिया है यानी आप जिस भी रूम में लगा के रखें, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका जो रूम का टेम्परेचर उसको मतलब मेंटेन होने में, लेकिन आपको वो इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा, क्योंकि आप कंटिन्यूसली आप कम से कम 7-8 घंटे तो एसी चलाते ही होंगे दिन में, तो वो आपका क्या रहेगा कि वहाँ पे आप यदि 21 से 22 डिग्री यदि सेट करके रखेंगे तो उसमें आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा सेव होगी। यदि मैं कंपेयर करूँ आपका 16 डिग्री या फिर 18 डिग्री से यदि आपको 21 और 22 डिग्री पे यदि लगा के रखते हैं तो कम से कम आपका 3 गुना इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। जहाँ पे यदि आपका यदि 18 डिग्री या फिर 16 डिग्री पे आप चलाएंगे तो जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी आपकी आएगी, सपोज यदि मान के चलिए 2000 रुपये बिल आना है तो वहाँ पे आपका कम से कम 550 से 600 रुपये के समथिंग बिल आएगा यदि आप 21 से 22 डिग्री से आप सेट करके रखते हैं टेम्परेचर। तो ये बहुत ही बड़ा आपका पॉइंट है कि आपको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए आपका जो टेम्परेचर है वो कम से कम 21 या 22 डिग्री पे ही चलाएं, इससे कम में चलाएंगे तो आपका जो रिजल्ट है, तो पहली चीज़ तो कंप्रेसर पे बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ेगा तो वो आपकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, साथ में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी आपका ज़्यादा आएगा। अब फ्रेंड्स इसके बाद में आपका जो अगला पॉइंट है, आपका अगला पॉइंट ये है कि आपका जो एसी है आप उसमें जो आपने देखा होगा जो ऊपर नेट लगी होती है, जो जाली लगी होती है, आपको उसको क्लीन करना है 15 से 20 दिन के अंदर में, यानी 15 से 20 दिन में क्या है आपको एक बार वो जाली को निकाल करके क्लीन करना है यानी वॉश करके फिर से आप उसमें लगा दें, क्योंकि क्या होता है जो भी डस्ट वगैरह है तो वो उसमें बैठ जाता है जिस कारण से वो एयर जो है उस प्रॉपर तरीके से सक नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर वो जाम होने के कारण से और उसका एयर थ्रो भी कम हो जाता है, जिस कारण से आप उसमें क्लीन करके यदि इसको रखते हैं तो प्रॉपर तरीके से वो एयर को सक करेगा और प्रॉपर तरीके से एयर को थ्रो करेगा, जिस कारण से आपके जो कंप्रेसर है उस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और कूलिंग जो है प्रॉपर बनी रहेगी। और फ्रेंड्स अगला पॉइंट हमारा ये है कि आप जब भी एसी को चालू करते हैं, जैसे सपोज बाहर से आ रहे हैं आपने डायरेक्ट एसी को चालू किया, तो उसको सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर पे ना रखें, क्योंकि ये मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि कम टेम्परेचर पे यदि आप चलाएंगे तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ऑटोमेटिक ज़्यादा आएगा। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप एसी को फैन मोड में ना चलाएं, क्योंकि होता क्या है आपका जो दरवाज़ा है या फिर जो भी विंडो है तो नीचे का जो एरिया होता है आपका, जैसे दरवाजे का जो नीचे का एरिया है तो वहाँ से जो एयर है जो कूलिंग है वो बाहर की ओर जाती रहती है, और फैन मोड में आप चलाते हैं तो फैन मोड में क्या होता है कि एसी जो है तेज़ी से जो एयर थ्रो है वो फेंकता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो कूलिंग है जो कमरे के अंदर जो कूलिंग है तो वो धीरे से जो भी जगह है उसको मिलती है तो वहाँ से बाहर निकलती है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पे बिल ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू आपका जो कंप्रेसर है वो चलता रहेगा, तो जिस कारण से आपका जो कूलिंग है वो उस एरिया से वो गैप से जो दरवाजा के नीचे जो भी गैप वगैरह रहेगा आपको जो भी मतलब आपके रूम में जो भी गैप रहेंगे तो वहाँ से आपका जो कूलिंग जो एयर रहेगी वो बाहर निकलेगी, जिस कारण से आपका जो कंप्रेसर कंटिन्यू वो चलता रहेगा और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ज़्यादा आएगा। तो इस कारण से आप हमेशा अवॉइड करें, आपका जो फैन मोड है आप उसको रन ना करें ताकि आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सेव हो चुके। तो फ्रेंड्स यदि आप ये सारी टिप्स जो मैंने आपको बताई यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो आप कम से कम आपका जो एसी के जो बिल है तो आप उसमें कम से कम आपको 60% तक की सेविंग देखने को मिलेगी। तो आप इन सभी टिप्स को फॉलो करें, आपका कम से कम जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 60% तक सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है सेव कर सकें। तो मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।